Hello everybody, this is Dr. Vani and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, jo bhi sirf 7 months pehle hi shuru hua hai, aapki bio-related sari queries ke liye. We would like ki aap log hamare channel ko like, share, subscribe zarur kijiye bachcho. That gives us the attention, the love and you know the feedback ki hum aapke liye aur amazing concepts roll karke lekar aaye. So make sure my dear children that all of you send us a thumbs up with like, share, subscribe. Please do that. We really really would love your feedback and appreciation back. बच्चो, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group and our telegram group is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहां पे motivation करती है, आप लोगों से interact करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट, उसको प्लीज वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है वी डी नीट, ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर रुपीज 5,999. सो वी डी नोट कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो वी डी टेस्ट, राइट, vdnt.in/vdtest पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स देना है vdnt.in/neetcrashcourse पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. आज का टॉपिक इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. दिस इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट टू इन विच वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट द ब्रेन, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक्शन पोटेंशियल, ऑल ऑफ दिस इन मच मोर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो टेक आउट योर पेपर्स, पेन्स एंड नोट्स बनाना शुरू कीजिए. चलिए क्लास को स्टार्ट करें. How does an impulse travel across a synapse? चलो इसका आंसर दो. एक इंपल्स साइनाप्स पे कैसे ट्रैवल करती है? साइनाप्स हमें पढ़ना है, मायस्थीनिया ग्रेविस आपको करवाना है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको करवानी है. चलो जल्दी जल्दी जल्दी, साइनाप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आज की क्लास में आई एम गोइंग टू बोथ द साइनाप्सेस, दैट्स केमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल, वेरी इंपॉर्टेंट. चलो कम ऑन. The impulse travels across a synapse from the axons to the cell body and dendrites. ऐसे तो मूव करता है synapse से सेल बॉडी से साइटोन एक्सॉन, यस और नो? चलो ओके, लेट्स कम टू द साइनाप्स. साइनाप्स होता क्या है? लेट्स कम बैक टू द साइनाप्स. व्हाट इज अ साइनाप्स? साइनाप्स इज बेसिकली अ जंक्शन बिटवीन वन न्यूरॉन और अ मसल, और बेसिकली अ न्यूरॉन एंड अ न्यूरॉन. इट कुड बी अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट कुड बी अ न्यूरॉन कनेक्टिंग टू अनदर न्यूरॉन. सो वेर एवर द टू मीट, दैट्स कॉल्ड अ साइनाप्स. सिन मीन्स टुगेदर. सो इट्स अ प्लेस वेर अ नर्व मीट्स द मसल और अ नर्व मीट्स समबडी एल्स एंड दे मीट एंड द वर्क इज बीइंग डन देयर. रिफ्लेक्स एक्शन भी आ रहा है बच्चों, बहुत कुछ पढ़ना है. चलो फुल जोश एंड फुल एनर्जी. साइनाप्सिस आर जंक्शंस वेयर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन न्यूरॉन एंड इफेक्टर सेल. इफेक्टर सेल का मतलब मसल्स हो सकता है. सो या तो ये दो न्यूरॉन होंगे, करेक्ट, या न्यूरॉन एंड मसल. केमिकल साइनाप्स में द एंडिंग ऑफ प्री साइनाप्स सिक्रीट्स अ केमिकल सिग्नल कॉल न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक लेफ्ट को क्रॉस करता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाता है. कुछ समझ नहीं आया? नहीं आया ना? यस, कैन आई टीच दैट विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटिफुल स्लाइड? कम ऑन, गिव मी हाई फाई ऑन द स्क्रीन. कॉमेंट्स 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 नाउ. हाई फाई नाउ. कम ऑन एंड लाइक 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 बच्चों. लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. कम ऑन गाइज, फास्ट. चलो ओके, सो लेट्स कम टू साइनाप्स. आ जाओ ओके. सो दिस इज योर केमिकल साइनाप्स गाइस, दिस इज योर केमिकल 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 साइनाप्स, राइट एवरीबॉडी? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. बेटा देखो ये आपका, ये देखो, ये मतलब ये हो सकता है ये आपकी दूसरी नर्व हो या मसल हो. तो ये ऊपर की नर्व से आ रहा है देखो, और मैंने आपको बताया था नॉब लाइक है, साइनाप्टिक नॉब्स. देखिए
ये एंड में ऐसा फूल जाता है नॉब टाइप, इसके बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड्स हैं, अगली स्लाइड्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड में फूल गया है नॉब की तरह, राइट। हो सकता है ये नॉब किसी मसल पे एंड करे, और ऐसा भी हो सकता है ये नॉब किसी दूसरी नर्व के ऊपर एंड करे, यस और नो, सो कुछ भी हो सकता है। सो ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है और इस पे सिग्नल आ रहा है। सिग्नल किसका होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। किसका सिग्नल है? साइनाप्टिक वेसाइकल है। दीज आर राउंड ब्लॉब्स, इनको वेसाइकल कहते हैं, ये गोले हैं। इन वेसाइकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, और न्यूरोट्रांसमीटर यूजुअली एसिटाइल कोलिन होता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में एटलीस्ट 10 टाइम्स आ चुका है, न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनाप्सिस एसिटाइल कोलिन। गाबा ब्रेन में रिलीज होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। इज दैट क्लियर? कभी भी दो साइनाप्स में एक दूसरे के ऊपर स्टिक नहीं करते, ऐसा नहीं होगा साइनाप्स, नो नेवर। तो आपको साइनाप्स ऐसा और बीच में एक थोड़ी सी स्पेस नजर आएगी। अगर मैं केमिकल साइनाप्स की बात करूं, इसको मैं क्लेफ्ट कहती हूं, साइनाप्टिक क्लेफ्ट, देयर इज अ स्पेस। तो ये आ गया आपका एक्सॉन टर्मिनल 1, ये आ गया आपका पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन 2, राइट। योर पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन देखिए, राइट, नीचे का पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन देखिए, तो ये आपका प्री, ऊपर वाली मेम्ब्रेन, ये आपका क्लेफ्ट आ गया बीच में, और ये आ गई आपकी पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन। क्या आ गया आपका? पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन। ये आपका क्लेफ्ट है, बीच की स्पेस है। तो कैन यू सी, जैसे ही एसिटाइल कोलिन आया वेसिकल के अंदर, कैल्शियम विल एंटर थ्रू दीज वोल्टेज गेटेड चैनल, सी दीज। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज न्यूरोट्रांसमीटर आना, सेकेंड पॉइंट कैल्शियम एंटर कर गया। कैन यू सी प्री साइनाप्स के अंदर कैल्शियम एंटर कर गया? आई एम गोइंग टू यूज अ ब्लैक कलर पेन। कैन यू ऑल सी प्री साइनाप्स में कैल्शियम इज एंटर्ड? कैल्शियम जैसे ही प्री साइनाप्स में एंटर करेगा, द वेसिकल हैज फ्यूज विद द मेम्ब्रेन। देखो वेसिकल बाहर नहीं आ रही है, वेसिकल फ्यूजेस विद द मेम्ब्रेन, वेसिकल प्लस मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाता है, और ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ जाता है। सी, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर। अब कैन यू सी ए न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन पे लग गया? सी, ये आपकी पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन पे आपका रिसेप्टर है, दिस इज योर रिसेप्टर, दिस इज योर रिसेप्टर। लेट मी इरेज एवरीथिंग सो दैट यू गेट अ वेरी क्लियर कट व्यू, और लेट मी ट्राई एंड शो यू वन मोर चार्ट। ओके, वी हैव जस्ट वन चार्ट, ओके ओके राइट। इसका एक बड़ा चार्ट भी है, मैं आपको अगली क्लास में दिखा दूंगी। देखिए, तो सबसे पहले 1 2 3 करते हैं ब्लैक कलर्ड पेन से। सबसे पहले साइनाप्टिक वेसिकल आ गया प्री साइनाप्स में एक्शन पोटेंशियल आने पे, सेकंड इज कैल्शियम आ गया, कैल्शियम की वजह से द प्री साइनाप्स मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई। देखिए, कम ऑन, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट फंडे कर रहे हैं, प्री साइनाप्स मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई। फोर्थ, डिड द प्री साइनाप्स मेम्ब्रेन, यहां पे देखिए, इसको जूम करके दिखाया है मैंने आपको, देखिए क्या ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, और पोस्ट पे, यहां पे पोस्ट पे न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं, ACH रिसेप्टर्स, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं। तो रिसेप्टर पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर लग गया, बिकॉज ऑफ विच सोडियम एंटर्स इनसाइड, सोडियम एंटर करेगा तो एक्शन पोटेंशियल होगा। 2 मिनट पहले हमने पढ़ा है, व्हेन द सोडियम एंटर्स एक्शन पोटेंशियल हैपेंस। सो आई रिपीट इट अगेन फॉर यू, आई रिपीट इट एंड आई राइट इट हियर ओनली फॉर यू गाइज। नंबर वन, एसिटाइल कोलिन रीचेस द टीलोडेंड्रिया, कैल्शियम एंटर्स the presynapse, vesicles fuse with presynapse, vesicle fuse kar jayega with presynapse, kar gaya fuse, dekho na aap log। fourth, jab ek bar vesicle presynapse ko fuse kar gaya to ye jo neurotransmitter hai wo release kar gaya, neurotransmitter release karke attaches to the रिसेप्टर ऑन द पोस्ट साइनाप्स, एंड बिकॉज ऑफ विच सोडियम एंटर्स इनसाइड, सोडियम चैनल खुल जाता है जब न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा, एसिटाइल कोलिन सोडियम एंटर करेगा और एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज योर केमिकल साइनाप्स। देयर इज ऑलवेज अ क्लेफ्ट कॉल्ड द साइनाप्टिक क्लेफ्ट बिटवीन द प्री एंड द पोस्ट साइनाप्स। इलेक्ट्रिकल साइनाप्सिस होते हैं वेयर एवर इंफॉर्मेशन हैज टू बी पास्ड एट वेरी वेरी फास्ट रेट्स।
क्या आपको ये कनेक्शंस दिख रहे हैं दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, दीज ग्रीन कलर पैसेजेस जस्ट लाइक अ जेएन टनल, जवाहरलाल नेहरू टनल विच कनेक्ट्स द जम्मू एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू श्रीनगर, राइट, द जवाहरलाल नेहरू टनल, राइट एवरीबडी. सो एक कनेक्शन है प्री और पोस्ट साइनेप्स के बीच में, इट्स लाइक अ हाईवे, इट्स लाइक अ ब्रिज, इट्स लाइक द बांद्रा वर्ली सी लिंक. हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम बॉम्बे, बाय द वे, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज, बॉम्बे. यस, अभी फेब्रुअरी आने वाला है, वहां एक बहुत अच्छा आर्ट एग्जीबिशन लगता है विच आई रियली एंजॉय, कॉल्ड द काला घोड़ा आर्ट एग्जीबिशन, राइट, रियली फेमस आर्ट एग्जीबिशन, राइट एवरीबडी, कम ऑन. सो इट्स लाइक अ ब्रिज. अगर आप बॉम्बे के रहने वाले तो आपको पता है बांद्रा वर्ली सी लिंक होता है, इज दैट क्लियर? सो कैन यू सी दिस लिंक, द ग्रीन लिंक, अ पैसेज, दे आर कॉल्ड द कॉनिक जोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन कम इन एमसीक्यू. क्या कहते हैं इनको? इट्स कॉल्ड योर कॉनिक जोन्स. लिखिए, वॉट इज इट कॉल्ड? कॉनिक जोन्स. क्या कहलाएंगे ये? Conic zones, and they allow the material to go. Is that clear? ये होते हैं smooth muscle cells में, जहां पर हमें बहुत quick और uniform without interruption, ये नहीं अभी signal आया अभी attach हुआ, quick without interruption चाहिए. Electrical synapses cardiac muscle में भी होते हैं, where there can be no stoppage of the impulse. Electrical synapses are connected by gap junction, दो के बीच में gap है, but they are connected by a tunnel. ये आपका गैप जंक्शन है, पर गैप जंक्शन के बीच में जो टनल है उस टनल का नाम है कॉनिक जोन. इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड कॉनेक्सिन्स. कॉनेक्सिन्स नाम के प्रोटीन से ये कनेक्टेड होता है. एक्सलेंट. व्हाई कैन इंपल्सेस फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन? वेरी गुड क्वेश्चन. चलो इसका अच्छा सा जवाब दो. जो बच्चा जवाब देता जाएगा वो लाइक करता जाएगा. कम ऑन गाइज, आई वॉन्ट फुल जोश इन द क्लास. व्हाई कैन इंपल्सेस फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन? कम ऑन, क्यों इंपल्सेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं? बताइए, व्हाई कैन इंपल्सेस फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन? बताओ बताओ बताओ, कम ऑन गाइस. बिकॉज ईच साइनेप्स अलाउज इंपल्सेस टू क्रॉस इन अ सिंगल डायरेक्शन. जो मूवमेंट होती है वो बैक नहीं होती. रिसेप्टर तो सिर्फ आगे की तरफ लगे हैं ना, एस्टेरकोलिन रिसेप्टर्स. सो इंफॉर्मेशन सिर्फ आगे को ही जाएगी, देयर इज नो यू टर्न, राइट. चलिए, सो अब आ जाए आप सेंट्रल न्यूरल सिस्टम ब्रेन. अभी एक बहुत ही ऑसम चार्ट आने वाला है और उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन आने वाला है. पूरा पार्ट ऑफ द ब्रेन में एक बहुत ही ज्यादा ऑसम चार्ट से बनाया हुआ है. सो यू हैव द फोर ब्रेन, प्रोसेन्सेफेलॉन, मीसेन्सेफेलॉन, रोम्बेन्सेफेलॉन. फोर ब्रेन में आते हैं आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, योर फ्रंटल लोब्स, योर ऑक्सिपिटल लोब, योर टेम्पोरल लोब एंड योर पैराइटल लोब्स. इज दैट क्लियर? फोर ब्रेन, थैलेमस विच इज योर रिले सेंटर, इंफॉर्मेशन को पास करता है. थैलेमस इट रिले सेंटर है, इंफॉर्मेशन आगे जाएगा पीछे जाएगा कैसे जाएगा? हाइपोथैलेमस जिसके स्टॉक से लगा है पिट्यूटरी ग्लैंड. मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड योर सेरिबेलम विच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल मेक्स यू गो हेयर एंड देयर. डन. चलिए, सो लेट्स कम टू द ब्रेन स्ट्रक्चर. इससे ज्यादा कूल चार्ट नहीं हो सकता. इससे अभी इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से इसका फोटो खींच लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी. चलिए खींच लिया आप लोगों ने फोटोग्राफ. चलिए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम. एंड गाइज, वी नीड सब्सक्राइबर्स, वी नीड योर सपोर्ट गाइज. वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर यू एवरीबडी. हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट वन जूनियर वन सीनियर ऑन टू आवर चैनल. आपके लिए हम सुबह 6 बजे उठ के लेक्चर ले सकते हैं. आप हमारे लिए एक किसी बंदे का फोन खुलवाकर जिसको बायो की जरूरत है उससे हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करवा सकते? बताओ बच्चों, यस, हमें भी तो सब्सक्राइबर्स चाहिए. वी ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो गाइज. यू आर वर्किंग सो हार्ड फॉर यू. कैन यू नॉट लिसन टू दिस इमोशनल अपील ऑफ योर टीचर दैट ईच वन ऑफ यू, यस, भले ही वो 10th 11th का हो, भले ही वो बच्चा 9th 10th का हो, बट एटलीस्ट कभी ना कभी तो उसको बायो की जरूरत पड़ेगी. वो डेली अपडेट्स देखेगा, पढ़ाई करने के लिए थोड़ा मोटिवेट होगा. एनी बडी हुम यू फील, योर स्कूल फ्रेंड्स, योर कॉलेज फ्रेंड्स, योर फैमिली फ्रेंड्स, योर कजन्स, योर यू नो योर नॉर्मल स्कूल बाहर के कॉलोनी फ्रेंड्स, टेल देम अबाउट अस सुपर कूल चैनल. मेक देम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर अमेजिंग चैनल. नो गाइज, कम ऑन. एंड राइट नाउ जस्ट प्रेस द बेल आइकन और द लाइक बटन. चलिए आइए, सो आते हैं सेरिब्रम में. सेरिब्रम जो है आपका वो बहुत ज्यादा सोफेस्टिकेटेड फंक्शंस करता है. मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग, लर्नड बिहेवियर. क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, मैम ने कितनी बार रिपीट किया, कितनी बार रिपीट करने के बाद समझ में आ रहा है. स्पीच, कक 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 कक,
किरण इमोशनल बिहेवियर इज बेसिकली एमिगडेला. लिखिए एमिगडेला. एमिगडेला इज योर इमोशनल बिहेवियर. इज दैट क्लियर? इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, पर्सनैलिटी फॉर्म्यूलेट्स कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल रिस्पॉन्स. इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं ऐसा करूंगा, इस सिचुएशन में मैं ऐसा बिहेव करूंगी, इस सिचुएशन में मैं ऐसा बिहेव करूंगी. इज ऑल पार्ट ऑफ योर सेरिब्रम. लेट्स कम टू द थैलेमस. थैलेमस इज बेसिकली अ सॉर्टिंग स्टेशन. अगर आप कभी पोस्ट ऑफिस वगैरह गए हो तो मान लो उनके पास इतने सारे कोरियर्स आए, वो कहते हैं अच्छा ओके बैंगलोर मिडल ये, बैंगलोर सेंट्रल ये, साउथ बैंगलोर ये, नॉर्थ बैंगलोर ये, HSR लेआउट ये, इंदिरा नगर ये, जयनगर ये, राइट? तो वो पूरा सेपरेट करेंगे, चंडीगढ़ सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, पूरा सॉर्ट आउट करेंगे. दैट्स योर थैलेमस. कौन सी इंफॉर्मेशन कहां जानी है, सेंसरी डेटा को सेरिब्रम में भेजू, आउटपुट सेंटर कहां दू? इट सॉर्ट्स डेटा, इट इज अ रिले सेंटर. 100% एमसीक्यू क्वेश्चन. रिले सेंटर, कौन सी इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? हाइपोथैलेमस होम्योस्टैटिक कंट्रोल है. कम से कम 10 times एमसीक्यू आ चुका है. आपकी बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस. ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, टेम्परेचर, होम्योस्टेसिस. योर बॉडी शुड बी एबल टू फंक्शन नॉर्मली. ऑल योर यू नो वैल्यूज शुड रिमेन नॉर्मल. हु कंट्रोल्स दैट? हाइपोथैलेमस. मिड पार्ट ऑफ द ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स ऑडिटरी डेटा. सुनने वाला विजुअल रिफ्लेक्स को कोऑर्डिनेट करेगा. आपने क्या देखा है, आपका रिस्पांस कैसा है. सेंसरी डेटा को भेजेगा हायर ब्रेन सेंटर्स में. आपके वाइटल फंक्शंस में जो ब्रीदिंग कंट्रोल करने का टाइम पूरा काम है वो आपके पॉन्स का है. ऑब्लोंगेटा भी वाइटल सेंटर्स को कंट्रोल करता है. स्वॉलोइंग, डाइजेशन, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग का काम ये भी करता है. बॉडी को कंट्रोल करना सो दैट वॉलंटरी मसल्स. देखा ऐसे ऐसे झूमते हैं कई लोग when they are in an inebriated or an alcoholic state. So body movements ko coordinate karna, posture and balance ko maintain karna, and motor responses jo aapne seekhe hain unko remember karke body ko control aur coordinate karna is a function of cerebellum. Very 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 important slide. Yes everybody, 100% MCQs will come from one of this very important slide. Chaliye, name the bundle of fibers that connect two cerebral hemispheres in human being. Corpus callosum. तो अगर आप ये अपने दोनों cerebral hemispheres को ऐसे separate करोगे तो जो हाथ पे ये join होते हैं इनको कभी भी पूरी तरह separate नहीं होते. So ये दोनों जो है right और left hemispheres है जिनको mid sagittal suture separate कर रहा है, तो join at the base. And who joins them at the base? Corpus callosum, which helps in formation, passage of information from one lobe to the other. So the passage of information from one lobe to the other is by corpus callosum, cerebral hemispheres. चलिए आते हैं spinal cord पे. अगर आप spinal cord का diagram देखेंगे तो आप देखेंगे, isn't it interesting guys, कितनी मजेदार class हो रही है. So white matter white होता है because of myelin sheath. माइलिन जो है वो आपका क्रीमी कलर का होगा, क्रीमी. और आपको पता है माइलिन जो है वो आपके एक्सॉन पे होता है, करेक्ट? ग्रे मैटर इज बिकॉज ऑफ योर साइटोन और ये इज बिकॉज ऑफ योर एक्सॉन. समझ में आया? सो द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन इनटू द वर्टिब्रल कैनाल. ये व्हाइट मैटर ग्रे मैटर है, इसका रिवर्स ब्रेन में होगा, राइट? उल्टा होगा, यहां ग्रे मैटर अंदर है, वहां ग्रे मैटर बाहर. Is that clear everybody? तो इनके बीच में सेंट्रल कैनाल है जिसके अंदर आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी फ्लो करता है. मेनिंजेस आपको पता है ब्रेन की जो कवरिंग्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है बिकॉज ब्रेन के पास एक ब्लड ब्रेन बैरियर है. वी डोंट वॉन्ट द ब्लड टू टेक द बैक्टीरिया टू द ब्रेन, सो वी हैव अ ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्रेन के अंदर अपेंडिमल सेल्स होते हैं. लिखिए, द ब्रेन हैज गॉट अपेंडिमल सेल्स. ये अपेंडिमल सेल्स जो है वो आपके लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, अपेंडिमल सेल. और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन के अंदर देयर आर वेंट्रिकल्स जिनके बीच में फ्लो करता है. मेनिंजेस आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. देयर आर 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, डी ड्यूरा मैटर, ए एरेक्नॉइड मैटर आउटसाइड टू इनसाइड, पी पाया मैटर, डैप नॉट पिया मैटर. अब आ जाइए आप रिफ्लेक्स एक्शन में जो आप सबको बाय हार्टेड है क्योंकि आप ये पढ़ रहे हैं क्लास 10th से. रिसेप्टर माय हैंड, आई टच समथिंग वार्म, इमीडिएटली टेक ऑफ माय हैंड. सो सेंसरी न्यूरॉन विल टेक इट, इट्स गोइंग अप, पर रास्ते में डिसाइड करेगा कि ब्रेन तक जाने में 2 seconds एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्यों ना स्पाइनल कॉर्ड पे ही रुक के इंफॉर्मेशन निकाल लूं. सो विल गो टू द कंट्रोल सेंटर इन द स्पाइनल कॉर्ड. इट विल
इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन विद इंटरन्यूरॉन. इंटरन्यूरॉन से अरे हाथ हटाओ जल जाएगा. मोटर न्यूरॉन विल टेक द सिग्नल बैक. इफेक्टर मसल इमीडिएटली आई विल विड्रॉ माय हैंड. आई एम ड्राइविंग, सामने से गाड़ी बहुत स्पीड से आती है दिखाई दे रही है, इमीडिएटली आई विल डाइवर्ट माय व्हीकल. रिफ्लेक्स एक्शन. सो द आईज आर द सेंसरी न्यूरॉन्स. इमीडिएटली सिग्नल गया ब्रेन के पास. ब्रेन के पास जाते जाते टाइम लग जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड पे ही रुक गया. स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन ने सिग्नल को प्रोसेस किया. मोटर न्यूरॉन से वापस आ गया. इज दैट क्लियर? चलिए तो ये कर लेते हैं. रिसेप्टर कोई भी आपकी नर्व एंडिंग है, कोई भी स्पेशलाइज नर्व एंडिंग जो स्टिमुलस को देख सकती है, दे रिसीव द स्टिम्यूलस. राइट, एफरेंट न्यूरॉन वो है जो इंफॉर्मेशन को ले जाएगा आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक. कंट्रोल सेंटर इज योर स्पाइनल कॉर्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन, बिकॉज वो डिसीजन लेगा. इट विल प्रोसेस द इंफॉर्मेशन और एकदम से जनरेट करेगा मोटर कमांड. जल्दी से गाड़ी मोड़ो, जल्दी से हाथ हटाओ. इट विल जेनरेट अ मोटर कमांड. मोटर न्यूरॉन ये लेकर जाएगा और इफेक्टर ऑर्गन और मसल फटाफट काम कर लेगा. इंटर न्यूरॉन इज बेसिकली अ लिंक. राइट, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, मोटर इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, जो बीच का प्रोसेसर है ना, सीपीयू की तरह कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, स्क्रीन से आपको वापस आ रही है. तो जो बीच का सीपीयू है, दैट्स योर इंटर न्यूरॉन. इट इज इन अ वे इंटीग्रेट इंटरप्रेट द सिग्नल जो इंफॉर्मेशन बीच में है. मोटर न्यूरॉन वापस लेकर आएगा इफेक्टर तक, इफेक्टर काम करके दिखाएगा. Isn't that like the simplest thing? जितने लोगों को आज ये क्लियर हुआ है, बच्चों आई वॉन्ट लाइक्स, लाइक लाइक लाइक, कम ऑन गाइस. रिफ्लेक्स आर्क, इससे सिंपल डायग्राम नहीं हो सकता. एंड आई थिंक विद दिस मजा आ गया आज की क्लास में. तो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इतनी अमेजिंग क्लास. एक्शन पोटेंशियल हमने किया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने किया, राइट, उसके बाद पूरे ब्रेन का पार्ट हमने किया. रिफ्लेक्स आर्क देखिए, सुई चुभ गई पैर में, पिन ब्रेन पर सिग्नल गया, ये आपका इंटर न्यूरॉन है नंबर 3, और ये आपका सिग्नल वापस आ गया. इज दैट क्लियर? सेंसरी, इंटर न्यूरॉन, मोटर, इफेक्टर मसल, एंड जहां पर पिन चुभी है, दैट्स योर सेंसरी ऑर्गन और योर सेंसरी ग्लैंड. रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन कर लेंगे आप. इट्स अ इनवॉलंटरी, आपके हाथ में नहीं होता, इमीडिएट रिस्पॉन्स. यस, इट्स अ वेरी इमीडिएट रिस्पॉन्स विच हैपन्स. कूल. So this is your nervous system, central, peripheral. Central, see the brain and spinal cord. Peripheral, peripheral, autonomic and somatic. Somatic is voluntary. Soma means body. जो आपके control में है उसको somatic कहेंगे. Auto का मतलब होता है self. Nomi का मतलब होता है control. तो जो अपने आप control करेगा वो autonomic. Sympathetic, parasympathetic. Parasympathetic आपको हमेशा relax करेगा. Right? Sympathetic is that running वाला. स्ट्रेस मोड ऑन, टेंशन वाला. डन. सेंसरी इज द वन विच टेक्स इंपल्स टू द ब्रेन. मोटर इज द वन विच ब्रिंग्स बैक द इंपल्स. दिस इज अंडर योर कंट्रोल, सेंसरी एंड मोटर. द सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. सिंपथेटिक इज अराउजिंग, फाइट एंड फ्लाइट टाइप, इंक्रीज ग्लूकोज स्टिमुलेशन डायलेशन, राइट, इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन, इंक्रीज ग्लूकोज यूसेज, हार्ट रेट ब्लड प्रेशर इंक्रीज. एंड पैरासिंपथेटिक इज coming. चलो, so with this we come to the components of the peripheral nervous system. यही मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले कराया है. सोमा आपकी बॉडी है. बॉडी के सारे फंक्शंस वॉलंटरी होते हैं. ऑटो का मतलब सेल्फ होता है. इंटरनल एनवायरनमेंट होम्योस्टेसिस करेगा. स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये देखिए जो आपका स्मूथ मसल है, आपने पेरिस्टाइलिसिस करना है. सिक्रीशन ऑफ द स्टमक, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, सिक्रीशन ऑफ द पैंक्रियाज, ये सब काम है इसका. कार्डियक किसका? ऑटोनोमी. आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है. वंस यू हैव ईटन द फूड, इसके नीचे आपकी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है. सो आपका पेरिस्टाइलिसिस, आपका स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ऑल ऑफ दिस इज योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ऑर्गन्स ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम्स, आईज कैसे रिएक्ट कर रही है, लैक्रिमल ग्लैंड्स कैसे कर रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कैसे कर रहे हैं, यू हैव नो कंट्रोल. इट इज ऑटोनोमी, सेल्फ, सेल्फ, ऑटोनोमस बॉडी है. इज दैट क्लियर? सो पैरासिंपथेटिक तब एक्टिवेट होता है, ऑटोनोमी अपने आप होगा. योर लंग्स, योर हार्ट, योर पैंक्रियाज, योर इंटेस्टाइन, एंटरिक इंटेस्टाइन के लिए होता है. सिंपथेटिक फाइट एंड फ्लाइट, मैंने आपको बोला अराउजिंग, टेंशन का माहौल है, ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना है. रेस्ट एंड डाइजेस्ट इज
पैरासिंपथेटिक. और सेंसरी और मोटर इज योर सोमैटिक, योर बॉडी. योर बॉडी, हाउ विल योर बॉडी रिएक्ट इज अंडर योर कंट्रोल. इट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, राइट. तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं. मैं तीसरी बार रिपीट कर रही हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कितनी बार रिपीट कर चुकी हूं मैं. सो पैरासिंपथेटिक गेन एंड कंजर्व एनर्जी, सिंपथेटिक बहुत इंटेंस एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटीज, ग्लूकोज बनेगा, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, फाइट एंड फ्लाइट. सिंपथेटिक रेस्ट, रिलैक्स, रिकवर, पैरासिंपथेटिक. इज दैट क्लियर? आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस ऑसम चैप्टर. मुझे तो आज मजा आ गया सब कुछ करा के. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बताइए. चलिए, राइट, रेगुलेट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको होम्योस्टेसिस करते हैं. वन मार्क क्वेश्चन अगर नीट में आ गया, होम्योस्टेसिस कौन कंट्रोल करता है? स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ऑर्गन्स ऑफ द वेरियस बॉडी सिस्टम्स. ऑसम क्लास, लाइक ऑसम नेक्स्ट लेवल ऑसम क्लास. यस, सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द ऑसम 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 क्लास. चलिए इसी के साथ आज की क्लास को बंद करते हैं. बाय गाइस, सी यू, बाय बाय.